जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फ्रैक्शन जो भिन्न होता है इसको कैसे हल करते हैं और इसको हल करने का जो शॉर्टकट तरीका होता है मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो फ्रैक्शन है एक इस प्रकार से लिखा गया है, वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस वन बाई वन प्लस लास्ट में कितना है, दो बटे तीन है। ठीक है, तो या तो हम लोग इसको हल करेंगे तो नीचे से ऊपर शुरू करते हैं, नीचे से और नीचे से हल करते करते यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट तरीके में कैसे हल करेंगे, लिखा क्या है दो बटे तीन, इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे दो तीन। ठीक, एक 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 पाँच बार है, एक दो तीन चार पाँच, मतलब एक दो तीन चार पाँच बार लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीन में एक का गुणा कर, तीन एक कम तीन दो पाँच। ठीक है, इसको प्लस ऐसे करेंगे। ठीक, तीन एक कम तीन दो पाँच। ठीक, अब पाँच एक कम पाँच, पाँच एक कम पाँच तीन आठ। ठीक, आठ एक कम आठ पाँच तेरह, तेरह कम तेरह आठ इक्कीस, इक्कीस एकम इक्कीस और तेरह कितना हुआ चौंतीस, चौंतीस लास्ट में कितना बचा ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा चौंतीस बटे इक्कीस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक दो तीन चार पांच बार एक है, एक 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 एक, या हम डॉट डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये दो तीन है, दो तीन है, तीन एक कम तीन प्लस दो पाँच, अब पाँच एक कम पाँच प्लस तीन एक आठ, अब आठ एक कम आठ पाँच तेरह, तेरह एक कम तेरह आठ इक्कीस, और इक्कीस एक कम इक्कीस तेरह चौंतीस हो गया। तो जो ये देखिए लास्ट में जो बचता है ये वाला, तो ये हो जाएगा चौंतीस अब बटे इक्कीस, ये हमारा आंसर होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, चौंतीस बटे इक्कीस, ये हमारा आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है थ्री प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फाइव, इसका हल हमको कैसे करना है। ठीक है, या तो जो हम अभी इसको बेसिक मेथड से हल करेंगे तो पाँच दूनी सात प्लस एक आठ, आठ बटे पाँच ए उलट जाएगा तो आप पाँच बटे आठ हो जाएगा। ठीक है, आठ एक कम आठ पाँच तेरह बटे आठ। ठीक है, इसको हम लोग जब भी पहले वाला क्वेश्चन हल किए हैं उसी तरह से हल करते हैं, एक है पाँच है। ठीक है, एक है पाँच है लास्ट वाला, एक पाँच हमने लिख लिया लास्ट में, एक बटे पाँच है, एक बटे पाँच लिख लिया। फिर क्या है, फिर क्या है, दो एक तीन, दो एक तीन है, देखिए एक बटे पाँच है, एक बटे पाँच लिख लिया, फिर दो एक तीन, दो एक तीन है लिख लिया हमने। अब देखिए इसमें गुणा करिए, पाँच दूनी दस प्लस एक इसको करिए, पाँच दूनी दस एक ग्यारह। ठीक, ग्यारह एकम ग्यारह पाँच सोलह, सोलह या अड़तालीस एक उनचास, उनचास दस उनसठ, लास्ट में क्या हो गया उनसठ, लास्ट में क्या हो गया उनसठ बटे सोलह, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो अगले क्वेश्चन है और देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं, ये क्या रहा है पांच बटे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को होगा कि पांच बटे यहां पे पांच प्लस या पांच प्लस एक बटे ऐसे नहीं है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इतने पार्ट को हल करेंगे। ठीक है, इतने पार्ट को हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं पुराने वाली स्टाइल में। एक चार है, एक चार दिया है, दो है तीन है एक है, दो है तीन है एक है। ठीक, एक बटे चार है, एक चार हमने लिख लिया, एक हमें दो बटे चार रहता तो दो चार हो जाता, पाँच बटे चार रहता तो पाँच बटे चार रहता। ठीक है, उसी तरह एक बटे चार हमने लिख लिया, फिर क्या है दो है, फिर तीन है, फिर एक है। ठीक है, आइए हल करते हैं, गुणा करिए, चार दूनी आठ प्लस एक नौ, नौ त्रि सत्ताईस चार
31, 31 एक कम 31, 9 40, हमारा लास्ट में ये 40/31। अभी देखिए क्वेश्चन हमारा आंसर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू थी क्या था, 5/40/31, 5 था ऊपर, हमने ऊपर ले लिया, जो 40/31 है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 40/31 है। ठीक है, इसको अब हल करते हैं, ये उलट जाएगा, 5 × 31/40 है। ठीक है, जब भी कोई इस प्रकार की संख्या हो, जब बटे हो, इस प्रकार का दिया हो, 5/ अगर मान लीजिए है 40/31, तो ये हो जाएगा 30/40। ठीक है, इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, 8 31/8। ठीक है, 31/8, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, अगर इस तरह से कोई संख्या दी है 5/2/5/7, अगर एक प्रकार की संख्या है तो इसको कैसे हल करते हैं, 5/2 लिख लेंगे, गुणे ये 5/7 है तो ये 7/5 हो जाएगा, कट गया, बने 7/2 आंसर आ गया। ये भिन्न इस प्रकार से हल करते हैं, कोई काम यहाँ पर किया गया है, आंसर कितना हो गया, इतना हो गया। चलिए ठीक है, अगर कहें ये माइनस रहता तो अभी चेंज करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन दिया है, ये माइनस में है, थोड़ा दूसरे प्रकार का है, तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, वहाँ प्लस था तो प्लस कर लेते थे। चलिए हल करते हैं इसको, 1 7 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। ठीक है, 7 × 2 = 14, 14 में से अब हम लोग 14+1 करते थे, जब प्लस रहता था तो 15 हो जाता था, अब हम क्या करेंगे, 7 × 2 करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, 7 × 14 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 13। ठीक, कितना हो गया, 13। अब आइए 13 × 3 = 39, 39 में से 7 घटा दीजिए, 39 में 7 घटाने से क्या हो जाएगा, 32। तो हमारा ये जो लास्ट का है 32/13, ये आंसर नहीं है। अब देखिए इसकी वैल्यू हो गई 1/32/13, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13/32, ये हमारा आंसर होगा, 13/32, 13/32 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और हल करते हैं। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी वही है जो अभी हम लोगों ने हल किया था, माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला है, इसको हल करने का तरीका वही है, पुरानी स्टाइल, पुराना अंदाज, 2 3 है, 2 3 लिख लिए। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे अगर 2 रहता तो 2 रहता, 1 रहता तो 1 है, 7 है तो 7 है, 5 जो संख्या लिखे रहती लिखी। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसको हल कैसे हम लोग करेंगे, देखिए 2 3 था, 2 3 लिख लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलिए 3 1 = 3, इसमें गुणा करिए लेकिन माइनस लगा है, इसको माइनस करेंगे, 3 1 = 3, 3 × 2 हो जाएगा, 3 1 = 3 है, यानी 3 × 1 − 2 − 2, तो हो जाएगा 3 × 2 कितना हो गया, 1। ठीक है, 3 × 2 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो गया, 3 1 = 3 − 2 कितना हो गया, 1। अब देखिए 1 × 1 = 3 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, 1 1 = 1 − 3 कितना हो गया, 2। अब देखिए 2 × 1, 2 × 1 करिए तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 − 1, 3, 3, 2 × 1, 2 − 1। ठीक, क्योंकि ये माइनस है तो हम माइनस करेंगे, कितना हो गया, 3। अब 3 × 1, 3 और 2 धन 2 हो जाएगा, यानी 3 × 1 माइनस, माइनस में क्या है, 2 है, 2 यही ना होगा, 2 और 2 क्या हो गया, धन हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 3 × 1, 3 × 1 फिर माइनस करेंगे,
तो माइनस में क्या है, माइनस दो है, तो माइनस दो है तो ये प्लस दो यानी ऋण वन हो गया, इसकी वैल्यू ऋण वन हो गई। तो हम लोग लास्ट में यही करते थे ना, क्या करते थे, इतना बटे इतना करते थे, तो ऋण वन बटे ऋण तीन ये कट गया, क्या हो गया, एक बटे तीन हो गया है। अरे भाई ऋण वन बटे ऋण तीन क्या होगा, एक बटे तीन ना होगा, यही है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जो फ्रैक्शन के ऊपर था। अब मुझे नहीं लग रहा है कि फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को हल करने में दिक्कत होगी। एक फ्रैक्शन का और भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर इस प्रकार का फ्रैक्शन दिया, इसकी वैल्यू 9/26 था, कुछ ऐसा था, वीडियो में बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो एक टाइप का और ये एक टाइप का, दो ही टाइप के आते हैं फ्रैक्शन, इससे ज़्यादा फ्रैक्शन आपको नहीं आएगा। दोस्तों क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग सिर्फ एक बार वीडियो ही देख लेंगे तो फिर और कहीं वीडियो देखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो फ्रैक्शन के ऊपर था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप वीडियो अगर चैनल हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।